ਸਾਸਤਰੀ ਗਾਲ एवरीवन वेलकम टू चेतन भारत ਲਰਨਿੰਗ ਜੂਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੀਡੀਵਲ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪੋਲੀਟੀ এনवायरमेंट ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੇਪਰ 2 ਸੀਸੈਟ इंग्लिश कम्यूनीकेशन स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स रीजनिंग मैथमैटिक्स हंड्रड्स एंड हंड्रडस ऑफ विडियोज वर मेड फॉर यू ऑलमोस्ट फाइव हंडर्ड लैक्चर फाइव हंड्रड विडियोज़ बनाई गई पिछले सत अठ महीनिया जिदेज असं थोनू ट्राई किया जिनी ज़्यादा इन्फॉर्मेन जिनी ज़्यादा कंसैपचुअल अंडरसटैंडिंग दी जा सके वो अं ट्राई करिए दैट वी शुड गिव इट टू यू विद इन दिस टाइम सारी फैकल्टी भी कोविड हो गया उस तो बाद वन प्रॉब्लम और अनादर येट ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਡ ਰੀਲੀ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਊਡ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਐਂਡ ਦੇ ਊਡ ਜਸਟ ਕਰਾਈ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾਓ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਗੁੱਡ ਥੈਟ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਟੌਪ टॉप टेन टॉप थर्टी एंड सो ऑन सो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट यू हैव वर्कड हार्ड इनफ ती बहुत मेहनत की है अज दस तारीख है ठीक एट जून तो लैके जो तुम लगे हुए हो टूडे टेंथ ऑफ फैब बहुत पढ़ाई हो गई अब क्या करना है अब ये सारा माइंड गेम है मैं जिदा परसन गल कर रहा है सी, एक जिदा क्रिकेट का मैच हों एक सक्सैसफुल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग एंड सो ऑन से कोई एक दूजा बेचारा मेरे वर्गा उन्होंने क्रिकेट तो दो ही हूँ ता ही दोनों इंटरनेशनल लैवल खेडते होंगे बट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वन हू इज़ रियली सक्सैसफुलरसिज द अनादर वन हू इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ स्किल सेट ये ये नहीं है कि उनको कितना ज़्यादा आता है बट उस दिन मैच में उन्होंने अपने ऊपर मेंटली अपनी नर्वस पे कितना कंट्रोल है कितना वो एग्ज़ाम को डोमिनेट करने की माइंडसेट से पेपर देने जा रहे हैं कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वैनिटी नहीं बट रीजनेबल अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए नाउ पी सी एस पेपर के बच्चे उदा भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हैगी यू मस्ट बैक योर ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਿਲਾਰ ਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਡੋਨਟ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਮੈਮਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੋਨਟ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਮੈਮਰੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮୋਝ ਆਤਾ ਹੈ ਅਬ ਆਖਰੀ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਮੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ जो आपको लग रहा है कि ये मैं आप कर लूंगी आखिरी या कर लूंगा आखिरी के दो दिन में ये चार नंबर के क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाएंगे और इनके सहारे मैंने पास होना है ना बाकी जो है ना चार सौ नंबर उसके लिए आपने अच्छे से सी सेट किया है रीजनिंग की है इंग्लिश की है सारे सब्जेक्ट्स किए हैं उसको अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को अपनी पिछले दस महीने की लेबर को बैक करो फ्रेश माइंड से पेपर दो ऑटोमेटिकली आपका पेपर अच्छा होगा पेपर आपका हो रहा है जिसने भी मेहनत की है आठ दस महीने पेपर हो रहा है होता है उस बच्चे का जिसने कंसिस्टेंटली मेहनत किया प्रोवाइडेड अटैम्प्ट अच्छा जाए तो आज जो इस वीडियो को बनाने का पॉइंट है वो यही है कि भरत सर से मेरी बात हो रही थी बिकॉज भरत सर हिमसेल्फ़ हैज़ डन वेरी वेल इन पीसीएस प्रीलिम्स आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट आई थिंक इन 2015 ही वाज रैंक थ्री इन पीसीएस प्रीलिम्स सो द पॉइंट इज मैं उनसे बात कर रहा था कि अब हमें ना बच्चों को कुछ नया पढ़ाने की जरूरत नहीं है प्रेजिडेंट की जे मान लो छः पावरस होंगे ने मैं थोड़ा थो चार पढ़ाइया जो थोड़ा दो नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पै गया अज टूडे सिमिलरली मान लो थोड़े तो टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्शनस क्लॉक्स ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं कैलेंडर्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अज कोई टेंशन नहीं हैगी ਮੈਂ ਪਰਸਰ ਨੇ ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਰ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਡ ਇਨਪੁਟਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੋ ਥੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਵਨ ਵਿਦ देयर ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੈਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਟੇਕਿੰਗ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਟੈਂਪਟ ਬੈਟਰ ਅਟੈਂਪਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ 10 11 ਤੇ 12 13 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਥੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਰ ਕਲਾਸ ਲੈਣਗੇ which is मुगल कल्चर अकबर नामा कि ने लिखा जहांगीर दा टूम्ब कितने एंड सोन एंड सोन ये तो आप भरत सर के साथ ही कर लो आज लेक्चर रात को प्रीमियर करेंगे हम सिंपल लेक्चर है इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल 11 तारीख आई विल कम एंड आई विल टेक हंड्रेड एम सी क्यूज विद यू मैं थो सौ एमसीक्यूज करावगा पोलिटिकल थ्योरी दे एंड आई आर दे दीज हंड्रड एमसीूज शुड बी सफिशियंट इसके अलावा ये मैं क्यों करा रहा हूँ आपको ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यही जो दो ढाई घंटे लगा के मैं आपको कराऊंगा इसके अलावा आप, आप बैठ के पोलिटिकल थ्योरी और आई आर रिवाइज ना करो वर्ल्ड हिस्ट्री बैठ के रिवाइज ना करने लग जाओ जेडे तो सेंट्रल सब्जैक्ट्स ने जेडे तो दस दस बारह बारह क्वेश्चन आने ही आने हैं पॉलिटी, हिस्ट्री इकोनॉमी, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं बस उन्हीं को आप रिवाइज करो आपकी छोटी छोटी पोतलियाँ बनी होंगी। आ मेरे पॉलिटी के नोट्स आ मेरे हिस्ट्री के नोट्स बस नो रिवाइज़ करी जाओ एक होर चीज आई एम होपिंग दैट यू हैव ऑलरेडी मेड सेंट्रलाइज नोट्स थोड़े ऑलरेडी एक सिंगल बुकलेट हैगी हिस्ट्री की जोग्राफी की पॉलिटी की एंड सो ऑन जे नहीं है तब बच्चे कोई एक नोट्स चक लो हूँ जब नहीं है तो यू हैव नॉट एक्टेड रिस्पॉन्सिबली बट स्टिल एक बुकलेट उठा लो तो वो हमारे नोट्स हो सकते हैं वो किसी और इंस्टीट्यूट के नोट्स हो सकते हैं वो कोई किताब हो सकती है उसको बस अपनी आँखों के सामने से निकाल लो जल्दी 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 सो दैट इट शोज अप इन दी पेपर पेपर में आया आपको रिकॉल हो गया हूँ नवी इंफॉर्मेश नहीं बैठ के याद करनी शुरू कर देनी नवे नवे नोट्स भी बनाने नहीं शुरू कर देने सब्जेक्ट दे मल्टीपल सोर्स भी नहीं रखने आ सी बी एल पॉलिटी के नोट्स आ लक्ष्मीकांत आ डी डी बासू आप ए बी सी डी इंस्टीट्यूट के नोट्स पी क्यू आर इंस्टीट्यूट ऐ दे कोई भी एक उठा लो ठीक जो भी आपको बेस्ट लग रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा क्लियर न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नो पॉइंट ਨਿਊ ਸੈਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਦੋ ਜੋਬਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਐਸਓ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਆਏ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਆ ਵੀ ਦੋ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪੋਲਿਟੀ ਠੀਕ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸੀਸੈਟ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆ वर्ल्ड हिस्ट्री का इक्वेशन घट्ट आँदा होगा तो कोई प्रो प्रॉब्लम नहीं हैगी कोई फर्क नहीं पै गया सो जस्ट रिवाइज़ योर बेसिक्स टूडे पहली चीज़ मुगल आर्कीटेक्चर जरा भरत सर थो करा सॉरी मुगल कल्चर जो भरत सर आपको कराएंगे आज रात को कल ग्यारह तारीख को मैं आपको सौ एम से क्यूज़ करा रहा हूँ पोलटिकल थियोरी एंड आई आर के बारह तारीख को अगेन भरत सर विल कम भरत सर विल कवर वन हंड्रड क्वेश्चन विद यू ये क्या है हमारा एक फुल लेंथ टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट दे विच ना ही विल ट्राई टू कम्युनिकेट टू यू थ्रू हंड्रेड एम कि पेपर कैसे देना है वो तो अनु बस ए नहीं कराएंगे वी आर हाँ यदा आंसर ए सीगा यदा आंसर बी सीगा लेट मी गिव एन एग्जांपल कल ही मैंने कोई एक कोई एग्जांपल दिया था एक क्लास में मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ मान लो क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द idea ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर द मोस्ट ठीक पहली ऑप्शन देती उन्होंने मान लो केसव नंदा भारती केस दूसरी ऑप्शन देती मिनरवा मिल्स केस तीसरी ऑप्शन देती एस आर बोमाई केस ठीक है जी ए दई चौथी देती सज्जन सिंह केस हुन ही क्वेश्चन है यार मेरे सामने हुन मेनू पता है भी यार केस बंदा भारत तो पहला भी सज्जन सिंह केस हैगा ऑल्दो पीसीएस के लेवल से नहीं आएगा पर मैं आई जस्ट टेलिंग यू कि यार इसको भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकता हूं सर्वमई केस अयोध्या के बाद इसको भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकता हूं मिनरवा मिसो तो है ही बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक केस है कि डी पी एस पीज और ऑर जो ये है फंडामेंटल राइट्स बैलेंसिंग व्हील वाला है ना देर शुड बी हारमोनी बिटवीन द टू एंड केस भारती केस तो वह है ही है जिद बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दिता से हूँ इतने ना मैं धरना नहीं देना पेपर से बह के वी आर ए तो ऑप्शन ही गलत ने मैं अपना बेस्ट अप्रोपरीएट आंसर दे के आना है केसर भारती केस दिस इज केस जब भी आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करोगे आपने कभी भी किसी से डिस्कशन करी कोई लाइफ में आंसर लिखा आपने मिनर्वा मिल का जिक्र नहीं किया कोई आफत नहीं आ गई एस आर का जिक्र नहीं किया कोई आफत नहीं आ गई सज्जन सिंह का जिक्र नहीं किया कोई आफत नहीं आ गई पर बेसिक स्ट्रक्चर की गल कर रहे हो केसर नंदा भारती का जिक्र नहीं किया आफत आ गई हूँ ठीक पॉइंट इज दिस की अगेन ये अब आपको इससे क्या हो रहा है आर्ट ऑफ मार्किंग द राइट ऑप्शन यार बेस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है वो ऑप्शन सिमिलरली सी आर मैं ऑप्शन पा के मेरे तो नहीं हो सॉल्व हो रहा बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन छड़न वाला होंगे ये बहुत छडन इन द सेंस कि हूँ पीसीएस तो नैगेटिव मार्किंग नहीं है बट कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना नहीं आता तो नहीं आता सो पर सर ऑन ट्वेल्थ विल डिस्कस हंड्रेड क्वेश्चन विद यू इन दैट वीडियो ही विल ट्राई टू शेयर हिज ओन एक्सपीरियंस ही हैज़ डन वेरी वेल यू पी एस सी एक सौ चाली चाली नंबर लेंद्र रहे हैं भरत सर प्रिलियम्स के जो कट ऑफ जाती है अठानवे मेरे वर्गे पाँ ना जुड़न तो वो डेढ़ सौ नंबर ले आते ठीक ही विल डिसकस दिस सेम इज़ टू अबाउट राघव सर एक्सैपनली गुड राघव सर एज वेल इन दिस एम सी क्यू क्वेश्चन एंड अदरवाइज टू सो द पॉइंट इज दिस कि दिस पीपल विल शेयर देयर बेस्ट इनपुट्स विद यू आपको तेरह तारीख को अगर इनके जो स्पेशल वो है ना जो तजुर्बा तो अगर आप उसको अपने साथ कैरी करके पेपर देने जाओगे आपका पेपर अच्छा होगा क्लियर तब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं पैनिक छड़ो जे पढ़ाई भी छड़नी है पढ़ाई भी छड़ दो इदा करके ना किताबा सुट दो कोई टेंशन नहीं हैगी अठ महीने हो गई जी तैयारी होनी सी हूँ आखिरी जो दो दिन का बस अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड अपने कोल रखो ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਆਈ نو ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡਿੰਗ ਸੋ ਵੈਲ ਬਟ ਰਾਈਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੋਨਟ ਈਟ ਆਊਟ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਓਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ थानू हो टेंशन होगी मेरा तो होया नहीं ठीक तो आलतू फालतू की डिस्कशंस बंद कर दो टाइमली सो टाइमली उठो ये सब भी बंद कर दो भी नहीं प्रेजिडेंट की पावर आप बताओ नहीं प्राइम मिनिस्टर की आप बताओ ये सारा कुछ सारा कुछ छोड़ दो दो दिन इट्स ऑल अबाउट फोकस द मोर फोकस्ड यू आर पंद्रह से बीस नंबर का आपको गारंटीड चार सौ नंबर में फ़र्क फील होएगा कि हाँ मेरे अटैम्पटेन बेटर है इसकी वजह से मेरा मार्क्स बहुत अच्छे आए आपको आ, एथिक्स कराएंगे जैसे होपफुली अनमोल सर उनका अटैम्प्ट बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उनको अटैम्प्ट देना बहुत अच्छा आता है पॉइंट इज दिस कि ये सारे बंद तजुर्बा सीखना है थानू अठ महीने से पढ़ाया है सपोर्ट योर सेल्फ ठीक है घबराना नहीं है हूँ एंड होपफुल जेडे असं तीन क्लासा लवेंगे जी एक पर असर अज लगे मुगल थी, आ, थी, आ, कल्चर एक कल मैं लव आई आरते पोलिटिकल थ्योरी तो एक फिर दोबारा पर परसों परसर लैंडे राइट आ, वे तो टू अटैम्प्ट क्वेश्चन थ्रू हंड्रेड एमसी क्यूज डिस्कस कर होपफुली होपफुली इन तीन क्लासों से भी आपको दो तीन क्वेश्चन का कम से कम फाइनल पेपर में फायदा होगा ठीक है जी आई विश यू ऑल द बेस्ट I'll see you tomorrow. Take care, all the PCS aspirants. We are with you, and I'm sure that the blessings of the Almighty are also with you. Take care.